हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे सुनीता ब्लॉग। आज हम देखिए मंदिर जा रहे हैं और वो भी माता रानी की है। डेली व्रत पैदल चलना कम से कम 2-3 किलोमीटर तो अच्छा रहता। अब देखिए ये पूरी गली है। अब हम आगे का दिखाएंगे मंदिर किस तरह से सजा हुआ है, कैसा है। वेलकम बैक टू माई चैनल सुनीता ब्लॉग। उसमें आज हम दिखाएंगे, देखिए बड़ी ये मेरी माता जा रही है। आज कोई नहीं उठा क्योंकि आज सब नवरात्रि का दूसरा दिन है। मैं डेली उठना चाहिए। और ये सामने वाला भी मंदिर है। अब हम जा रहे हैं आगे। कुछ हम थोड़ी दूर पे ही चल रहे हैं। अब देखिएगा मैया का गेट आने वाला है। अब हम आपको दिखाएंगे मैया का खूबसूरत नज़ारा। आपने देखा तो हो गई। हाँ हाँ, देखिए माता जी का गेट स्टार्ट हो गया। अब हमारा आज से ब्लॉग स्टार्ट हो गया। आज से डेली ब्लॉग बढ़ गया, मतलब नवरात्रि का। थोड़ा चल रहा है, कैमरा तो हिलेगा ही। देखिए मंदिर शुरू है। होके आ गए हैं और अब घर की जगह पूजा करेंगे। अब देखिएगा आने वाली वीडियो में क्या होता है। चलते रहिए रास्ते में। और ये हम रास्ते में चल रहे हैं। देखिए वो क्या और देखिए बहुत लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। मंदिर 3-4 बजे तक निकल जाते हैं। अभी हमें पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे। थोड़ा संभल के भी चलना होता है ना सुबह। ये देखिए और भी लोग आ रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ लेडीज। भाई ये और एक मंदिर है, हम आए थे, हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ये तार टूटे पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत डर लगती है धर्मशाला है जहाँ लोग शादियाँ कराते हैं। ये गलियाँ ये एक और मंदिर है। जय राम जी की। मेरे अंकल दौड़ गए सब सुबह सुबह।
हम देख रहे हैं सब सब हमने घर जीने धोने सब उठ जाते हैं चार बजे। और मेरी मम्मी जल्दी जा रही है, कल से हम थोड़ा और जल्दी आएंगे, बहुत लेट हो जाते हैं। हेलो डॉगी, नहीं है कुछ हमारे पास, होते तो तुम्हें जरूर देते। यहाँ देखिए घर बन रहा है आगे से, और हम आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही गड्ढे खाई, मुझे नहीं क्या था ये चढ़ाई है, यहाँ पे कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती संभल में। बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, थक जाते हैं हम। ये देखिए एक और मंदिर है, यानी यहाँ पे आरसे टीथ और जुनसर कूब मंदिर है। ये देखिए सब उठ जाते हैं तुलसी मैया। ये भी एक घर है, सब पूजा करने के लिए उठते हैं सुबह सुबह, मैया प्रसन्न होती है, खाली पेट पूजा कर। ये देखिए अब अंधेरा आ गया, तो हमें संभल के चलना होगा। यहाँ पे बहुत लोगों ने उबड़ खाबड़ तोड़ डाल के सड़क कर, कम से कम 3 किलोमीटर का है हमारे घर, आने आने में 6 किलोमीटर लग जाते हैं। अभी हम आपको कुछ दिनों बाद अपने घर का रहने भी करेंगे। अपने देखिए वाला हमारा घर, ये बड़ा हॉस्टल लोग हैं, यह मैया की ऐसा लग रहा है भूख लग रही है भाई। अब डेली व्रत भूख तो नहीं, व्रत में ही सबको याद आता ये खा लो। हम पहुँचने वाले हैं देखिए बस का, ये देखिए हमारा घर आ गया, कोने मम्मी पहुँच गई है, हम ही पहुँच जाएंगे। ये देखिए पापा उठ गए।